आज मैं आप लोगों के लिए ब्रेड की झटपट बनने वाली एक जबरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी और हेल्दी है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम अपने सभी ब्रेड को पीसेस में काट लेंगे। इसे आप हाथ से भी तोड़ सकते हैं। मैंने सभी ब्रेड को पीसेस में काट लिया है और एक मिक्सी बाउल में डाल दिया है। साथ ही इसमें डाल देंगे 2 छोटी चम्मच बेसन। साथ ही कुछ मैंने सब्जियां भी ली है, जैसे शिमला मिर्च और टमाटर, बारीक कटा हुआ प्याज और धनिया पत्ती, थोड़ी सी हरी मिर्च। हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। साथ ही इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे और साथ ही इसमें डाल देंगे थोड़ी सी लाल मिर्च। सभी चीजों को ब्रेड के साथ मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे मिक्स करेंगे। इसमें ज्यादा पानी नहीं डालेंगे। तो हमारे ब्रेड का मिक्सचर तैयार है। अब मैंने एक तवे को गैस पर गर्म होने के लिए रख दिया है। हमारा तवा गर्म हो चुका है, इस पर हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। मैंने ऑयल डालकर पूरे तवे पर फैला लिया है और इसमें हम राई के दाने डालेंगे। इसे थोड़ी देर चटकने देंगे। हमारा राई चटक चुका है, अब हम अपने मिक्सर को डालेंगे। हम इसका गोल शेप देंगे। हम इसे लो फ्लेम पर 3-4 मिनट तक अच्छे से सेकने देंगे। हम इसे ढक देंगे। 3-4 मिनट हो चुके हैं, ये अच्छे से सेक चुका है। इसे हम दूसरी तरफ पलट लेंगे। इसे हम दूसरी साइड भी अच्छे से सेकने देंगे। ये दूसरी साइड से भी अच्छे से सीख चुका है। हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। तो मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है। आप इसे ब्रेड चिल्ला या ब्रेड पिज्जा भी कह सकते हैं। हम इसे पिज्जा के शेप में काटेंगे। मैंने इसे पिज्जा के शेप में काट लिया है। आज की हमारी ये शानदार और टेस्टी रेसिपी तैयार है। आपको ये आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।